हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडोसिंड बैंक के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है इंडोसिंड बैंक में। तकरीबन तकरीबन शेयर 20% तक उछल गया था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 15% की तेजी भी इसमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोज 313 रुपये था, 378 रुपये तक का बहुत बड़ा हाई बनाया और 345 रुपये के आसपास का लो भी बना है यहाँ पर। और ये वही लो है जिस प्राइस पर ये शेयर ओपन हुआ था। अभी 360 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके यहाँ पर है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तो आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 360 रुपए के ऊपर शेयर आ चुका है। पिछले एक महीने में इंडोसिंड बैंक के शेयर में 64% तक की गिरावट हम देख चुके हैं। 301 रुपए तक का लो है और 1,000 रुपए तक का हाई है। एक साल की बात करेंगे तो सिचुएशन आपके सामने पूरी तरीके से आ जाएगी। 80% तक टूटा है शेयर। 1,800 रुपए तक का हाई था और 301 रुपए तक का लो है। देखिए, गिरावट के बाद तेजी इसमें जरूर आई है, पहले भी आई थी और ऐसी बड़ी स्पाइक्स हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर बात करें, लार्ज कैप स्टॉक है, 26,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो अभी वक्त हुआ है 11:20 और आप देखिए तकरीबन तकरीबन 2.5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम ट्रेड एनएसई में हो चुका है। काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, काफी ज्यादा। हालांकि अगर हम बात करें तो भैया नतीजे भी इनके काफी बेहतर है। 1,300 करोड़ का मुनाफा इसने कमा कर दिया है पिछले 2 क्वार्टर में और बढ़िया इंटरेस्ट अर्निंग भी है। 5,700 करोड़ से लेकर 7,250 करोड़ तक की इंटरेस्ट अर्निंग ये पहुंच चुकी है। तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, एफआईएस के पास 55% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस ने होल्डिंग इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम की है। इन म्यूचुअल फंड के पास 10.86% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.20% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15.45% की होल्डिंग है। प्रमोटर के शेयर गिरवी जरूर है, 26% जितनी होल्डिंग गिरवी है और यहाँ पर प्रमोटर कौन है, इंडस इंड इंटरनेशनल होल्डिंग, जिनके पास 9.61% की होल्डिंग है। 37 म्यूचुअल फंड्स के अपना पैसा लगाया है, 442 एफआईएस ने पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर यहाँ पर यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, 3.66% की होल्डिंग है, 6.90% जितनी होल्डिंग यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की है। पिछले साल इन्होंने डिविडेंड भी पे किया था 75% का, मतलब 7.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। इंडोसिंड बैंक में आज तेजी क्यों आई भाई, इतनी बड़ी तेजी आखिर क्यों आई कि बैंक 20% तक उछल गया। तो यहाँ पर है कि एज डिपॉजिट एडवांस जंप इन चैलेंजिंग टाइम। देखिए, ऐसे बुरे वक्त में भी अब यह है कि इनकी जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ रही है, में एडवांस जंप देखने को मिल रहा है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि शेयर ऑफ इंडोसेंट बैंक जंप 20% ऑन ट्यूजडे ट्रेड आफ्टर द लेंडर सेड। तो देखिए, लेंडर के द्वारा बताया गया है ये, ठीक है। लेंडर सेड इट्स नेट एडवांस जंप 13%। लेंडर ने कहा है कि भैया जो उनका नेट एडवांस है उसमें 15% तक का जंप देखने को मिला है। तकरीबन 2,10,000 करोड़ तक का रहा है मार्च 31 तक। द बैंक हैज नेट एडवांस 2,07,000 करोड़ एज ऑफ December 31 एंड ₹1,86,000 करोड़ लास्ट ईयर। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि पिछले साल इसी टाइम पे 1,85,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका एडवांस था, जबकि इस बार 2,07,000 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। तो काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। तो इसी के चलते आज इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो स्टूड 112% कंपेयर विथ 11% और लास्ट ईयर। तो देखिए, लास्ट ईयर जो इनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो था वो 111 था, इस बार 112 हो चुका है। लेकिन एक और चीज है जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, वो है कि रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग, उन्होंने इंडोसेंट बैंक की जो रेटिंग्स है उसको रिवाइज किया है और उसको नेगेटिव में डाला है फ्रॉम स्टेबल, ठीक है, आउटलुक टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि नेगेटिव से स्टेबल में यहाँ पर डाला गया है, वाइल अफर्मिंग द लॉन्ग टर्म इश्यू रेटिंग एट AA- यहाँ पर कर दी गई है। तो इन खबरों के चलते आज शेयर में तेजी जरूर है। अगर हम बात करें इंडोसेंट बैंक के बारे में आज, तो भैया तेजी अभी देखिए 16% का ग्रोथ हो चुका है, 363 रुपीज तक शेयर पहुंच चुका है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पी 5.58 है जबकि इंडस्ट्री पी 23.25 है। बुक वैल्यू 381 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.94 है।
75% का डिविडेंड है, 64 के आसपास का ईपीएस है, 25 के आसपास की डिलीवरीज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, शानदार मौका है। 20% यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भैया इनके ऊपर बैलेंस शीट की, तो तकरीबन 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा इनके ऊपर दिखाया जा रहा है। और पिछले 3 क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो काफी शानदार है। इससे पहले उतने ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं थे, मतलब उतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं थे, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर में भैया 1,300 करोड़ से 1,400 करोड़ का इनको मुनाफा हो रहा है पर क्वार्टर, तो अच्छी बात है ये। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एड्रेस करना जरूरी है। पहली चीज ये कि भैया अभी भी इस शेयर के ऊपर भरोसा नहीं है। रीजन ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो अपने बैंक अकाउंट थे इंडसइंड बैंक में उसको मूव कर दिए, मतलब भैया पैसा निकाल कर दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया, स्विच कर दिए है। और इसकी वजह से शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिली थी प्रीवियस में, और आरबीआई को खुद बोलना पड़ा था कि भैया डरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो आज भले ही यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, लेकिन काफी ज्यादा हाईली रिस्की शेयर बन चुका है इंडसइंड बैंक, उतना ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कि आज 15-20% की तेजी आई है, कल 10-12% ये शेयर गिर भी सकता है। ऐसा नहीं होगा कि शेयर ऊपर ही उठता उठता जाएगा, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो नहीं है। काफी हाई वॉल्यूम में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो रिटेल निवेशक को तो मैं इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा, उनको बोलूंगा कि भैया दूर ही रहे तो बेहतर होगा। आज 20% की तेजी देखकर अगर आप पैसा लगा दोगे तो कल 10% की गिरावट लेकर भी ये शेयर बैठ जाएगा। तो बेटर यही होगा कि भैया ट्रस्टेड जो बैंक है उनके ऊपर पैसा लगाए, ना कि इंडसइंड बैंक के ऊपर। मैं मानता हूँ कि बैंक के परफॉर्मेंस में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी यस बैंक के क्राइसिस के चलते जो इस तरीके की जो बैंक्स है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव देखने को मिला है, और उन्हीं की वजह से शेयर में इतनी बड़ी गिरावट भी हम देख चुके हैं। तो बेटर यही होगा कि आपको अगर पैसा लगाना है तो आज HDFC बैंक पर लगाइए, ICICI बैंक पर लगाइए, एक्सिस बैंक पर भी आप पैसा लगा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक जैसी बैंकों में आप पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि भैया हाईली रिस्की है ये, हाईली रिस्की। तो मैं तो इसको अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। आपको रिस्क लेना है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडसइंड बैंक के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।